तेज होगी, फिर से तेज होगी बारिश। सेट सेट मेरा गा भाई, क्या हाल है? तो इसके दादू आना रहे थे। गरीबों को अगर कैमरा दिखाओगे वो सबसे पहले चीजें करेंगे। मैंने सही बोला था ना? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज हम डेली व्लॉग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं ऑफिस का टाइम है, ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। देखो यूनिफॉर्म वगैरह मैंने पहन ली है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने नई बाइक परचेज़ की, सुजुकी वीस्ट्रॉम। तो वीस्ट्रॉम लगी घर के अंदर, और जो मेरी पुरानी बाइक थी, पुरानी मेरी स्कूटी थी, वो मैंने नहीं बेची है। वो ये है मेरी प्यारी धनु। तो आज ना मैं अपनी बाइक लेके जाऊँगा ना स्कूटी, तो मैं लेके जाने वाला हूँ अपनी कार, अपनी ऑल्टो 800, क्योंकि आज मौसम जो है थोड़ा कुछ इस तरह से है। अल्लाह हाफिज। तो गाइस प्लान में आ गया चेंज, और चेंज ऐसा है कि मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, मैं बाइक लेके जाऊंगा, गाड़ी लेके नहीं जा रहा मैं, क्योंकि मुझे बाइक का कुछ काम भी करवाना है, और इसलिए मैं बाइक लेके जाऊंगा। तो मौसम ख़राब है, मौसम ख़राब होने के अगर बारिश होगी तो कहीं कपड़े की लेना हो जाए, तो मैंने अपना रेन सूट भी लिया हुआ है। मैं रेन सूट यूज़ करता हूँ स्टड्स का, ब्यूटीफुल रेन सूट्स है, 1650 के रेंज में मैंने लिया था, एकदम मस्त है। ऑफिस लेट हो गया, 9:20 हो गए, 9:30 पहुँचा था, और 10 मिनट में मैं वहाँ एक मतलब बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकता, कोई चांस ही नहीं वहाँ पर पहुँचने का। मैं लेट हो जाऊंगा, और लेट नहीं मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगा। तो एक्सेसरीज में मैं बेसिक जो चीज़ें हैं वो डलवा रहा था, लाइक इसके क्रैश गार्ड्स हैं, इसके क्रैश गार्ड्स और सैडल स्टेज जो है वो मैं लेने का सोच रहा था। तो बहुत सारे जो है मैंने ब्रांड्स देखे, बहुत सारे कंपनीज जो क्रैश गार्ड्स बना रही हैं, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इन सबको मैंने देखा। अब बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो बिल्ड क्वालिटी तो आप वीडियो में नहीं समझ पाते, बट हाँ जो ओनरशिप रिव्यूज़ थे उससे मैंने देखा कि, और सैडल स्टेज ऑर्डर कर दिए हैं लेजेंडरी कस्टम्स के बैंडिडोस पिट स्टॉप से। यार अल्लाह ना करे बारिश पड़े, क्योंकि अगर बारिश पड़ गई ना मेरे को रुकना पड़ जाएगा, और मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो मैंने कैमरा पे सेटअप लगाया हुआ है वो वाटरप्रूफ नहीं है। जो चलो ट्रैफिक 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 जाम लगा हुआ है। लाड़ी भाई क्या हाल है? ऑल वेल? बाज बढ़िया बढ़िया बाज ना, चले ऑफिस लेट हो गया आज। यार आज ट्रैफिक ने ना हालत खराब कर रखी है, और ऊपर से ना गाइस हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। यार अल्लाह जी प्लीज़ बारिश रोक दो, क्योंकि अगर बारिश थोड़ी भी तेज़ हुई ना मुझे बाइक रोकनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि मैं बाइक रोकूं। एक तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इतना ट्रैफिक किस चीज़ का? बड़े हैंडल बार्स ट्रैफिक में दिक्कत करते हैं। चलो भाई साहब चलो, लेट हो गया हूँ, आज बहुत लेट हो गया हूँ, आज तो गालियाँ बढ़ने वाली हैं एकदम तगड़ी तगड़ी वाली गालियाँ। अच्छा मैम, अगर आप ये वीडियो देखते हो, मतलब मेरे चैनल के वीडियोस देखते हो, तो रियली सॉरी लेट हो गया हूँ। बारिश तेज़ हो गई है यार, कैमरा ख़राब हो जाएगा मेरा, मुझे शायद रुकना पड़ेगा। यहाँ पे तो बारिश का नामो निशान ही नहीं है। तो भाई साहब जगह दे दो यार, देखे भी ना जब लोग सुनते नहीं है ना, तो लिटरली बहुत गुस्सा आता मुझे। मैं हॉर्न भी दे रहा हूँ उसको कि भाई साहब हट जा हट जा हट जा वो बेचारा हिल ही नहीं रहा है, वो ऐसे चला रहे जैसे ट्रक नहीं चलते हैं।
9:34 मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ और अभी सिर्फ आधा रास्ता कवर हुआ है। अभी मुझे अराउंड शायद 10-12 मिनट और लगेंगे, लेट हो जाऊँगा। रोहित सर एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया आज, ऊपर से बारिश अब तेज होगी, फिर से तेज होगी बारिश। सेट सेट मेरा कैमरा। मैं आगे बाइक लगाने वाला हूँ और कैमरा जो है वो रिमूव करता हूँ हेलमेट से, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। टाइम बज रहा है 7:40 हो चुके हैं, तो सॉरी 7:40 हो चुके हैं। तो प्लान यही था कि पूरे दिन का व्लॉग करूँगा। बारिश आ गई थी, बारिश आने के बाद मैंने कैमरा बंद कर दिया, ऑफिस लेट पहुँचा था, फिर मीटिंग शीटिंग पूरे दिन बिजी रहा कस्टमर के साथ, कभी यहाँ कभी वहाँ। जस्ट अभी फ्री हुआ तो कैमरा उठाने का टाइम मिला मेरे को। अभी नीचे डिलीवरी है, डिलीवरी प्रोसेस के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तैयारी करेंगे, रेंज हुड वगैरह सब पैक करना, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। हेलमेट ले लेते हैं, सामान ले लेते हैं अपना सारा, कुछ भूल ना जाए। तो बारिश अगर नहीं पड़ी तो ब्लॉग बनता रहेगा, तो आपको दिखाते हैं कि डिलीवरी सेरेमनी होती कैसे, हम कैसे कार डिलीवर करते हैं। डिलीवरी के चक्कर में सब रुके हुए हैं, अविनाश भी इधर ही बैठा हुआ है। ये दिवाली की तैयारी है, मैंने कहा था ना शोरूम के दर्शन करवाएंगे किसी दिन। मेरा यार बिली अरुण धीरज सब यहीं पे है। थोड़ा जोर से बोला, डरा गया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, ये अरुण है। मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती, जैसे कैमरा ऑन होता है ना सब हर कोई इंग्लिश ही होने लगता है। फादर साहब कहाँ से आपके? फादर साहब जम्मू से ही हैं। अच्छा, सेटल कहीं हो? मेरे जो दादू थे वो एक्चुअली बाहर रहे हैं। बाहर कहाँ? वो NRI। अच्छा, तो इसके दादू NRI थे। तो अभी फ़िलहाल आई एम ट्राइंग कि मैं उनके ट्रैक पे चल पाऊँ, तो थोड़ा इंग्लिश सीखने की कोशिश हो रही है, तो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू गाइस, बाय। तो कल के वीडियो में आप इसको देखोगे, यूट्यूब पे कल वीडियो देखेगा तुझे। देखा आपने अरविंदर को? ये अरविंदर वही है जो हमारे, वही है जो ये दोनों वही है जो बदरवा के व्लॉग में थे। कौन सा सरदार है? मीठा सरदार, मीठे करो करो किस करो स्मूच करो एक दीप्ति रहिए। ये बंदा जो है ना, ये बंदा यार एक्चुअली ना कैमरा उठाने का टाइम नहीं मिलता, वरना हमारे ऑफिस में ना इतना क्या थोड़ा अंधेरा नहीं है, इतनी चावल है ना हमारे ऑफिस में पूरे दिन नहीं खत्म होती। ये धीरज देखा, गरीबों को अगर कैमरा दिखाओगे वो सबसे पहले चीजें करेंगे। मैंने सही बोला था ना मैंने कहा था ना हमारे ऑफिस में बड़ी चावल है। 1, 2, 3 डिलीवरी हो चुकी है, तो बस मैं अभी अपना सारा सेटिंग करूँगा, रेन सूट वगैरह सब पैक करूँगा, उसके बाद जो है निकलने की तैयारी करते हैं, मिलते हैं आपसे मोटो व्लॉग। तो जी फाइनली हेलमेट डल चुकी है, अब हम करेंगे गेट अपना पंच लगाएंगे और भागेंगे घर के लिए। थैंक यू। जब जब मैंने सोचा ना कि जल्दी घर जाऊंगा, हाँ चला गया, जब जब मैंने सोचा ना कि जल्दी घर जाऊंगा तब तक लेट हुआ। चलो ठीक है भाई, टेक केयर। यार एक पंगा बन गया, पंगा ये कि इसकी ना बैटरी डेड हो गई है। बना नहीं पाऊंगा वीडियो यार ज़्यादा लंबी। चलो जी ऊपर वाले का नाम लेते हैं और चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो सर, सॉरी यार आपको फ़ोन नहीं कर पाया क्योंकि 7 बज गए यार, सोचा था 6 बजे छुट्टी कर लूँगा फिर आपसे मिलूँगा, बट मिल नहीं पाया, 4 दिन से सोच रहा हूँ। हट जाओ भाई साहब थोड़ा सा, थैंक यू। बट हमारा सिग्नल हो गया रेड, हम करेंगे वेट। तो क्या हुआ, तेल ख़त्म हुआ? बाइक का तेल ख़त्म हो गया, सिग्नल तो रेडी है, सब लोग चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है यार, बहुत ज़्यादा, और जितनी तेज़ हवा चल रही है उतनी ज़्यादा ठंड भी लग रही है। मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया हुआ है, सुबह शाम मुझे लगता है अब जो है वो विंड चीटर पहनना पड़ेगा, यहाँ कोई अपर वगैरह तो पहनना ही पड़ेगा।
एकदम गंदा वाला मौसम ठंडा हो गया, और ऊपर से बैटरी भी चार्ज नहीं है मेरे कैमरा की ना, बैटरी चार्ज करना ही भूल गया। सुबह भी चार्ज की मुझे लगा चल है थोड़ा सा सेल, मतलब अभी दो सेल हैं, ऑफिस पहुंचूंगा तो चार्ज करूंगा। ऑफिस में ऐसा बिजी हुआ, इधर दौड़ उधर दौड़, आज पूरे दिन ऑफिस बैठ ही नहीं पाया, पूरे दिन ऑफिस के बाहर रहा मैं आज। तो फाइनली घर पहुंच गया हूं मैं, कैमरे ने इज्जत रख ली। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सलाम। मेरा जहाज़।